एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट वीडियो। एक्चुअली ये साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट वीडियो नहीं है, ये है साड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। तो सिंपल शब्दों में कहें तो एकदम ही काया पलट। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी कि कैसे मैंने एक पुरानी साड़ी को कन्वर्ट किया एक ऐसे आउटफिट में जिसको देख करके आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते कि ये ड्रेस इस साड़ी से बनी है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाऊंगी ही, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब भी मैं किसी साड़ी से ड्रेस बनवाती हूँ तो मैं किन बातों का ध्यान रखती हूँ। इस चैनल पर मैं लेकर के आती हूँ बहुत सारे रीयूज प्रोजेक्ट्स, तो अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये साड़ी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरी शादी की साड़ी है और मेरी शादी को हो चुके हैं 15 साल, यानी कि ये 15 साल पुरानी साड़ी है। इसका फैब्रिक है प्योर जॉर्जेट में और इसके ऊपर बहुत हैवी रिबन वर्क है। रिबन वर्क के साथ ही साथ इसमें आरी वर्क भी है जिसमें कटदाना और सीक्वेंस का यूज़ किया गया है। पल्ले पर एकदम हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बीच में स्कर्ट पैटर्न में एम्ब्रॉयडरी है और साथ ही साथ एक पतला सा बॉर्डर भी दिया हुआ है। इस साड़ी से ड्रेस बनवाने का आइडिया जैसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसके अंदर देखे पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर 4 पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इसका फैब्रिक एकदम ठीक था, ये साड़ी कहीं से भी डैमेज नहीं थी, कहीं से भी फटी हुई नहीं थी, जली हुई नहीं थी और किसी भी फॉर्म में इसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा भी नहीं था, इसका फैब्रिक एकदम ठीक था। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस साड़ी का पन्हा यानी कि विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो जब साड़ी की विड्थ ज़्यादा होती है तो उसमें से हम एक बहुत ही अच्छी ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके ऊपर बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है तो इसको हम एक बहुत ही अच्छे पार्टी वियर आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट जो था इस साड़ी का, जिसने मेजर रोल प्ले किया है इस आउटफिट के क्रिएट होने में, तो वो ये है कि ये साड़ी है प्योर जॉर्जेट में और प्योर जॉर्जेट जो होता है उसको हम डाई कर सकते हैं किसी भी दूसरे कलर में, तो इस फैब्रिक को हम डाई कर सकते हैं, ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट था। नेगेटिव पॉइंट्स मुझे इसमें 2 मिले। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट था इस साड़ी का कलर, इस साड़ी का कलर अब ट्रेंड में नहीं है तो मुझे इसे एज इट इज़ पहनने का मन नहीं था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि अभी काफ़ी पुरानी हो गई थी साड़ी, तो वो जगह जगह से ख़राब हो गई थी, कहीं से रिबन निकल आए थे, कहीं से वर्क काला पड़ गया था, आगे मैं डिटेल में दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। तो ये 2 इसमें नेगेटिव पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें से बनवाऊंगी एक शरारा सेट और उसकी जो कुर्ती होगी वो होगी पेपलम स्टाइल में और पल्ले से हम लोग कुर्ती निकालेंगे और जो स्कर्ट वाला पोर्शन है उससे हम इसका शरारा निकालेंगे। जो डिज़ाइन मैंने फाइनल किया, जहाँ से मैंने इसका रेफरेंस लिया, उसका पिक्चर आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मोर और लेस इसी तरीके का आउटफिट हम इससे क्रिएट करने वाले हैं। और क्योंकि ये कलर अब मुझे नहीं पहनना था तो इस साड़ी को मुझे डाई भी करवाना था। जैसे ही मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई, मैंने अपने टेलर से डिस्कस किया इसको और उन्होंने भी देख करके बता दिया कि हाँ, ये इस तरीके की ड्रेस इस साड़ी में से आसानी से बन जाएगी। और जो डिवाइडर बनेगा आपका, डिवाइडर भी स्ट्रेट फिटिंग में ही बनेगा। इतना बनेगा चौड़ाई? हाँ, एक पैर की चौड़ाई है आपकी। इतनी बहुत है भैया, ये तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बहुत है, परफेक्ट। जैसे ही हमें टेलर से ओके मिली, हम लोग पहुंचे गाजियाबाद के घंटाघर मार्केट में। तो यहाँ पर हमें लाइनिंग वगैरह लेनी थी और साड़ी को डाई होने के लिए देना था। साड़ी को डाई कराने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस थे जो मेरे माइंड में थे। पहला था पर्पल कलर, ये जो साड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मैं लेकर के गई थी रेफरेंस के लिए, और दूसरा था एक डार्क ग्रीन कलर। तो मैंने जैसे ही डाई वाले भैया को बोला कि मुझे ये पर्पल कलर करवाना है साड़ी के ऊपर, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये पर्पल कलर इस साड़ी पर नहीं हो पाएगा, और मेरे दिल के एकदम ही टुकड़े टुकड़े हो गए। तो फिर मैंने पूछा भैया से कि क्या ग्रीन कलर हम इस पर कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया और उन्होंने बताया कि इसके ऊपर सिर्फ हम डार्क ब्राउन कलर कर सकते हैं या फिर हम ब्लैक कलर कर सकते हैं। तो थोड़ी ही देर के लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग खर्च किया, थोड़ा सा इमेजिन किया कि किस तरीके का लगेगा, और फिर हमने फाइनल किया कि हम इसके ऊपर डार्क ब्राउन या फिर कोको कोला कलर करवाते हैं। तो ये वाला करा ले बेटा, फिर
ये वाला येलो रख के देखो उसको, येलो तो ठीक लगेगा, वो नहीं लगेगा सूर्य सूरजमुखी सनफ्लावर, हाँ सही है जाएगा, सही लगेगा। साड़ी को डाई करवाने के लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरी साड़ी को डाई कराने से पहले एक छोटा सा टेस्ट किया। और मैं जो चाहती थी ना वो ये था कि साड़ी का सिर्फ फैब्रिक डाई हो और इसके ऊपर की जो एम्ब्रॉयडरी रहे वो सेम कलर में ही रहे, यानी कि येलो और मजेंटा कलर में ही रहे। इसको चेक करने के लिए हमने किया एक छोटा सा डाई टेस्ट। हमने क्या किया कि इसकी एम्ब्रॉयडरी में से एक छोटा सा रिबन का पीस ले लिया और भैया जो भी चीज़ डाई कर रहे थे हमने उसी के साथ इस रिबन को डाल दिया और फिर हमने चेक किया कि क्या इस रिबन के ऊपर भी कलर आता है, क्योंकि अगर इस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर भी डार्क ब्राउन कलर आ गया तो साड़ी एकदम ख़राब हो जाएगी और फिर ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने एक छोटा सा डाई टेस्ट किया और इस डाई टेस्ट में ये रिबन एकदम पास हुआ, रिबन के ऊपर कलर नहीं आया। और उसके बाद हमने साड़ी को दे दिया डाई होने के लिए कोका कोला कलर में। और उसके बाद पहुँचे हम लोग लाइनिंग लेने के लिए। तो लाइनिंग के लिए मैंने शैंटून कॉटन लिया और कुछ लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये शैंटून कॉटन क्या होता है, तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो बता देती हूँ कि शैंटून कॉटन जो होता है ना वो शैंटून और कॉटन का ब्लेंड फैब्रिक होता है, यानी कि उसके अंदर शैंटून और कॉटन दोनों की ही क्वालिटीज़ होती है। अगर हम प्योर शैंटून देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग और बहुत ही चिकना फिसलने वाला कपड़ा होता है, लेकिन शैंटून कॉटन जो होता है उसमें शाइन तो होती है लेकिन ये कपड़ा स्लिपरी नहीं होता। क्योंकि ये स्लिपरी नहीं होता है तो इसलिए बहुत अच्छी ड्रेस बनती है अगर हम शैंटून कॉटन की लाइनिंग यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ आपके फैब्रिक में एक शाइनिंग भी आती है। 4 मीटर्स लाइनिंग का कपड़ा हमने लिया और उसके बाद बस हमने साड़ी उठाई और टेलर को हमने दे दिया। पर्पल कलर तो हुआ नहीं इससे ना, और ना ग्रीन, नहीं ना ग्रीन, तो उन्होंने कहा कोको कोला कलर करवा लो वो चढ़ जाएगा, है ना। तो इसका ये लाइनिंग हो गया 4 मीटर। और जब ये ड्रेस बन करके आई तो इसका फर्स्ट लुक ऐसा था, फर्स्ट लुक में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स थी इसमें वो बताऊंगी मैं आपको अभी बाद में। तो अगर आप देखें तो साड़ी के पल्ले के अंदर से कितनी खूबसूरती से, कितनी होशियारी और समझदारी से टेलर भैया ने इसके अंदर से ये पेपलम टॉप बनाया है, और दोनों ही तरफ आगे और पीछे आप देख सकते हैं कि एकदम सिमेट्रिकल डिज़ाइन आया है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। तो ये टोटली आपके टेलर की समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साड़ी से किस तरीके से ड्रेस निकालते हैं। और यहाँ पर ना एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, मेरी एक साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट की एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है उसके ऊपर एक कमेंट आया था कि क्या आपको स्टिचिंग आती है और आपके आइडिया सुन के हमारे कस्टमर जो हैं वो लड़ने लगते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी रूड लिखा था, उन्होंने ऐसे लिखा था कि आपके आइडियाज़ जो है ना वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं और पल्ले से आप पेपलम टॉप नहीं बना सकते। तो अब आप इस ड्रेस में देख सकते हैं कि ये जो पेपलम टॉप है ये पल्ले से ही बनाया गया है। होता क्या है ना कि जब हम साड़ी से ड्रेस बनाते हैं तो उसमें दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सीधा सीधा काम नहीं होता, नए फैब्रिक में से आप सीधा सीधा बना सकते हो। तो ये पल्ले में से बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपलम टॉप बनाया गया है। आप इस टॉप का नीचे का पोर्शन देखेंगे ना तो इसके अंदर चुन्नटें डाली गई हैं और अंदर जो इसमें लाइनिंग है उसके अंदर बनाई गई है कलियाँ, यानी कि पैनल्स बनाए गए हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइनिंग का फैब्रिक लगाया है ना उसके अंदर पैनल्स बना के लगाया गया है। ऐसा करने से क्या हुआ है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेयर आ गया है। अब इस ड्रेस के अंदर दो कमियाँ थी। पहली कमी ये थी कि इसके अंदर साइड में एक स्लिट थी, ये मैंने साइड से ओपन रखवाया था, ऊपर जिप लगवाई है, और नीचे की तरफ से ये खुला था। तो ये तो मैंने टेलर भैया को बोल करके बंद करवा लिया, उन्होंने बोला कि ये किनारी थी ना सितारों वाली इसलिए हमने इसको ऐसा ओपन रखा था, तो ये मैंने बंद करवा लिया। दूसरी प्रॉब्लम जो थी ना इस ड्रेस के साथ वो ये थी कि इसकी एम्ब्रॉयडरी कुछ जगह से ख़राब हो गई थी, रिबन्स निकल गए थे या फिर जो स्टोन्स लगे हुए हैं उनकी चमक चली गई थी। तो इस एम्ब्रॉयडरी को मैं खुद ही ठीक करूँगी। तो चलिए देखते हैं इस एम्ब्रॉयडरी को मैंने किस तरीके से ठीक किया। ये जो है ना फ्लावर्स जब डाई कराया ना तो इसके देखो ये जो थ्रेड्स है ना इनके ऊपर भी हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया, जिसकी वजह से इसका रिबन का कलर थोड़ा सा डल हो गया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने ना ये फेविक्रिल का पर्ल मेटालिक कलर लिया है, ये पर्ल मेटालिक गोल्ड शेड है। तो मैं एक ब्रश की हेल्प से ना ये इसके ऊपर कर दूँगी और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको हटा के यहाँ पर दूसरा लगा दूँगी।
सबसे पहले मैंने इस ड्रेस को एक फ्लैट सरफेस पर बिछा लिया है और इसके नीचे मैं एक वेस्ट पेपर लगा रही हूँ। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि पेंट वगैरह जो है ना वो नीचे की तरफ ना चला जाए। और मैंने इसके अंदर ऑलपिन लगा लिए हैं जिससे कि कपड़ा अपनी जगह से सरके नहीं। और जितने भी छोटे मोटे धागे इधर उधर से निकले हुए हैं ना उन सबको मैं एक कैंची की हेल्प से कट कर दूंगी। और उसके बाद मैंने लिया है एक नंबर का फ्लैट ब्रश और उसकी हेल्प से मैं धागे के ऊपर कलर कर दूंगी। तो मैंने रिबन्स के ऊपर कलर किया है और ध्यान रखा है कि जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्टेनिंग हो गई थी डाई की वजह से वहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से कर दूँ। सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस कलर को, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं इस फ्लावर पर अभी कलर नहीं हुआ है तो इसके अंदर ये धागे दिखाई दे रहे हैं, विजिबल हैं। और ये जो दूसरा फ्लावर है इसके ऊपर मैंने कलर कर लिया है और इसके बराबर में जो फ्लावर है ना उस पर नहीं हुआ है। तो डिफरेंस आपको एकदम साफ क्लियर कट नज़र आ रहा है कि कलर करने से पहले कैसा है और कलर करने के बाद कैसा है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो हम इनको उतार देंगे। तो मैंने इस तरीके के स्टोन्स लेकर के आई हूँ, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी इनकी जगह पर। इस तरीके का एक टूल मिलता है मार्केट में, ये उधेड़ने के काम आता है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ निकालनी हो या फिर कोई सिलाई निकालनी हो तो आप इसमें ऐसे ये लेके आप इसमें ऐसे आसानी से ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे काट दीजिए तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है ऐसे, है ना। तो मैं ये सारे निकाल दूँगी। अब ये सारे स्टोन्स निकालने के बाद ना मैं जो नए स्टोन्स लाई हूँ उनको मैं सुई धागे की हेल्प से सिल दूँगी। तो आपके दिमाग में यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं चिपकाने के लिए, फैब्रिक ग्लू भी तो यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में तो हमने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्टोन्स है ना इनका जो पीछे का सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है। तो अगर मैं इनको फैब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी ना तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जिससे कि हो सकता है कि ये थोड़े दिन बाद उतर जाए। और इनमें दोनों साइड में छोटे छोटे से छेद भी हैं तो इसलिए सुई धागे से इनको लगा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा जिससे कि ये ज़्यादा लंबे समय तक सिक्योर रहेंगे और उतरेंगे नहीं और हमारी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। कलरिंग और स्टोन चेंज करने का काम मैंने कर लिया है कंप्लीट, थोड़ा बहुत मैंने मजेंटा वाले पोर्शन पर भी करा है। और अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, ये जो इसमें किनारी है इसके ऊपर मैं एक गोटा पट्टी की लेस लगा दूंगी। तो इसको भी मैं सुई धागे की हेल्प से लगाऊंगी जैसे हम साड़ी पर फॉल लगाते हैं उस तरीके से इसको मैं लगा दूंगी। तो सुई धागे से लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो नीचे वर्क हुआ हुआ है ना उसको मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। इसकी फिनिशिंग को और बेटर करने के लिए ये जो छोटे छोटे से येलो वाले सीक्वेंस लगे हुए हैं ना इनको मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये कहीं से उखड़े हुए हैं, कहीं से इनके धागे निकले हुए हैं। तो मैं इन सबको निकाल दूंगी, उससे ये थोड़ा सा वर्क भी कम हो जाएगा और नीट लुक भी आ जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ टॉप में से निकाले हैं और जो उसका शरारा है ना उस पर मैंने ये लगे रहने दिए हैं क्योंकि उस पर वर्क काफ़ी कम था। और एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग करने के बाद ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा नीट और फिनिश्ड लग रही थी और अब ज़रूरत थी मुझे एक दुपट्टे की। तो मैं इस ड्रेस को बजट फ्रेंडली रखना चाहती थी इसलिए मैंने कोई भी नया दुपट्टा इस ड्रेस के लिए नहीं लिया। मेरे पास जो दुपट्टे रखे थे उसी में से मैंने एक लाइट गोल्डन कलर का दुपट्टा निकाला और उसको मैंने ये जो येलो फ्लावर वाले फ्लावर्स है ना इनकी मैचिंग से डाई करा लिया। तो मेरा एक मैचिंग दुपट्टा तैयार हो गया और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ड्रेस का फाइनल लुक। तो पूरा तैयार होने के बाद, ड्रेसअप होने के बाद ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इस ड्रेस को देख करके कोई ये नहीं बता सकता है कि ये ड्रेस आपने इस साड़ी से क्रिएट करवाई है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर टोटल खर्चे की बात करें कि हमने इसमें कितना पैसा खर्च किया तो वो इस तरीके से है, मैंने साड़ी को डाई कराने के लिए 250 रुपीज़ दिए, लाइनिंग थी 70 रुपीज़ पर मीटर, 4 मीटर्स मैंने लाइनिंग ली, 280 रुपीज़ की मुझे लाइनिंग मिली। दुपट्टा मैंने कोई नया नहीं लिया था, पुराने दुपट्टे को डाई कराया था, 60 रुपीज़ मैंने डाई कराने के लिए दिए। स्टिचिंग के लिए मैंने पे किए 900 रुपीज़ और एम्ब्रॉयडरी को फिक्स करने के लिए मैंने कुछ स्टोन्स वगैरह लिए थे और कलर्स वगैरह जो भी लिए थे, लेस उसका आप टोटल रख सकते हैं 150 रुपीज़ क्योंकि मेरे पास ये सामान रहता है घर में तो मैं ऐसे अलग से नहीं बता सकती हूँ। और टोटल अगर हम करें तो ये होता है 1640 रुपीज़ यानी कि 1640 रुपये। और 1640 रुपये में आपको प्योर जॉर्जेट की हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पार्टी वियर ड्रेस मिल रही है और आपको क्या चाहिए। तो मुझे तो ये ड्रेस लगी एकदम ही सस्ती, मजबूत और टिकाऊ। आपको ये ड्रेस कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपको इस ड्रेस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड कौन सा होगा ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन।
सेक्शन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन इन अनदर वीडियो. बाय बाय.